कई वीर रानियों के बारे में सुना ही होगा, परंतु आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करेंगे जिसने पोर्चुगीज के छक्के छुड़ा दिए। सन 1500 में पोर्चुगीज की ताकत अपनी सीमा पर थी। उन्होंने कैलिकट, बीजापुर और बॉम्बे पर अपना झंडा लहरा दिया और गोवा को अपनी राजधानी बना ली। पोर्चुगीज ने कई मंदिरों को चर्च में बदल दिया था, पर उनकी मुसीबत उनसे सिर्फ 14 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर उल्लाल में थी, जहां की रानी थी रानी अबक्का चाउटा। रानी अबक्का का जन्म 1525 में हुआ था। उनके रिश्तेदारों ने उनका विवाह लक्ष्मप्पा अरसा बंगराज के साथ करा दिया था, परंतु जब उन्हें पता चला उल्लाल खतरे में है तो वह उन्हें छोड़कर चली गई। पोर्चुगीज ने उनको हल्के में लिया और अपनी विशाल सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भेजी रानी को पकड़ने के लिए, परंतु वह सेना लौटी नहीं, रानी ने उनको मार गिराया। फिर पोर्चुगीज को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने विशाल सेना को भेजा जिसका नेतृत्व कर रहे थे एडमिरल डॉम अल्वाडो डे सिल्वेरा, परंतु बहुत ही जख्मी हालत में हार के लौटे वो। फिर से सेना को भेजा गया, परंतु उनमें से बहुत ही कम जिंदा लौट पाए। पोर्चुगीज बार बार हार का सामना कर रहे थे। फिर पोर्चुगीज ने योजना बनाई कि पहले वो मैंगलोर के किले पर कब्जा करेंगे, फिर उल्लाल पर। योजना के अनुसार उन्होंने किले पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर एक बड़ी सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे जनरल जोआओ पिशोटो, उनको भेजा गया उल्लाल। इस बार उनको अपनी योजना पर भरोसा था। जब वो उल्लाल पहुंचे, देखा ये जगह तो सुनसान है, वो लोग आराम करने लगे, टहलने लगे, और जैसे ही जीत का जश्न मनाने लगे, रानी ने अपनी 200 की सेना के साथ आक्रमण कर दिया। जनरल को उन्होंने मार गिराया, कई सैनिकों को पकड़ लिया, बहुतों को मौत के घाट उतार दिया, और बाकी वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। अपने आदमियों के साथ रानी मैंगलोर के किले पर हमला कर दी। वहां का जो उनका लीडर था उसको मार डाली। पोर्चुगीज डर के भाग गए वहां से। वो वहां पर भी नहीं रुकी, वो कुंदापुर जहां पोर्चुगीज की सेना भारी तादाद पर थी वहां पर भी हमला कर दिया। परंतु हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक गद्दार था, जो कि और कोई नहीं रानी के पति थे। उस गद्दार के कारण रानी को पोर्चुगीज ने पकड़ लिया, परंतु सलाखों के पीछे से भी उन्होंने क्रांति की ज्वाला अपने अंदर बुझने नहीं दी और भागने का प्रयास की, परंतु पकड़ी गई और पोर्चुगीज ने उन्हें मार दिया। वो वीर शहीद हो गई। एक स्पेशल पुलिस फोर्स भी है रानी के नाम पर, जो महिलाओं से संबंधित मामलों पर जांच करती है। यहाँ तक कि इंडियन नेवी में भी रानी के नाम का एक जहाज है जो अभी विशाखापट्टनम में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और नीचे बने बेल आइकन को भी जरूर दबाए। जय हिंद, जय भारत।